तो कहा यह जाता है कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में काम करने वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन चुनावी साल को देखते हुए पार्टी नेताओं की सक्रियता पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर से विजय गाथा लिखने के लिए नया प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी द्वारा बूथ संपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही। इस अभियान के तहत बीजेपी की मध्य प्रदेश में हारी और कमजोर सीटों पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर चल रही। इसके लिए दोनों नेता हर सीट का दौरा करेंगे। सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं और आने वाले फरवरी माह में और तेजी से हम करेंगे, हम उस 58% को रिटेन कर पाए विधानसभा चुनाव में। वही बीजेपी के हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के लक्ष्य पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। जनता की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ईवीएम से 10% हर बूथ पर वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही तो बात अलग है। बीजेपी ने 121 सीटों को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष, क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले नेता, पूर्व संगठन मंत्रियों और विधायकों को एक एक सीट की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।